घटना रविवार की सुबह की है, जिसमें प्यार फाउंडेशन, मूल पुलिस और चंद्रपुर के युवाओं ने तीन गायों की जान बचाई है। आशंका है कि जानवर रात को गोवंश तस्करी के वाहन से गिर गए होंगे। 5 घंटे से ज्यादा समय तक ये जानवर मूल से जनाला तक सड़क पर पड़े रहे। यह घटना मूल में सुबह की सैर पर जा चुके कुछ युवकों के कारण सामने आई है। गंभीर रूप से घायल गर्भवती गाय समेत 2 अन्य जानवरों को बचाने में बड़ी सफलता मिली है। इस मौके पर खासकर इंसानियत देखने को मिली, साथ ही जानवरों पर भी दया करे यह व्यवहार में सिद्ध हो चुका है। इससे यह साबित हो गया है कि तस्कर पर चाहे जितना पुलिस शिकंजा कसे, लेकिन मवेशियों की तस्करी अब भी दिन रात हो रही है। शनिवार रात मूल चंद्रपुर रोड पर तस्करी के वाहन से 2 गाय और 1 भक्कड़ गाय गिर गई। सुबह करीब 7 बजे गाँव के कुछ युवक डोनी फाटा के सामने टहलने निकले तो उन्होंने पुल के नीचे एक गंभीर रूप से घायल गाय को देखा और कुछ ही दूरी पर 1 भक्कड़ गाय को भी गंभीर अवस्था में देखा। इस गंभीर स्थिति को देखकर युवाओं का दिल दहल गया और उन घायल जानवरों को बचाने की बेताब कोशिशें शुरू हो गई। युवक ने इसकी सूचना प्यार फाउंडेशन और मूल पुलिस स्टेशन को दी। जल्द ही प्यार फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं और मूल पुलिस स्टेशन के कर्मी मौके पर उपस्थित हुए। खास बात यह है कि इस घटना में गंभीर और गर्भवती गाय को जिसने भी देखा उसका दिल पसीज गया। स्थिति को देखते हुए मूल के उन युवाओं ने प्यार फाउंडेशन और मूल पुलिस स्टेशन के कर्मचारियों के साथ मिलकर भाकड़ और पुल के नीचे गिरी घायल गर्भवती गाय को इलाज के लिए वाहन से सुखरूप चंद्रपुर भेजा। खास बात यह है कि मूल के युवाओं ने तत्परता दिखाकर दिखाया कि मानवता अभी भी कायम है। पशु प्रेमियों और समाज सेवियों ने युवाओं की सराहना की और उन्हें धन्यवाद दिया। मयूर कामड़े मूल, अभिषेक टूटनवार मूल, रोशन मेतपल्लीवार मूल, जिन्होंने संबंधित घटना को पुल और पशु मित्रों के ध्यान में लाया और गायों को अस्पताल भेजा। उप निरीक्षक राठौर, पुलिसकर्मी राजेश शिंदे, तुकाराम सोनूले ने तुरंत घटनास्थल पर मदद की। गायों को प्राथमिक उपचार देने और पशु चिकित्सालय ले जाने के लिए प्यार फाउंडेशन के यश शर्मा प्यार रेस्क्यू शेल्टर चंद्रपुर और शशिकांत प्यार रेस्क्यू शेल्टर चंद्रपुर को विशेष सहयोग मिला। तर आम्हाला रस्त्यामध्ये तस्करी केलेल्या गाई या रस्त्यावर जखमी अवस्थेत सापडल्या। त्या गाईची आम्ही तपासणी केली असता त्या गाईचे मागचे 2 पाय तुटले होते आणि समोरचा 1 पाय ऑलमोस्ट तुटलाच होता। तर आम्ही चंद्रपूरची प्यार रेस्क्यू शेल्टर म्हणून संस्था आहे, NGO आहे, ती स्वतः प्राण्यांना घेऊन स्वतः औषधोपचार करतात, त्यामध्ये कुठल्याही पैशाची मागणी करत नाही। तर त्यांना आम्ही फोन केला तर त्यांनी फोन केल्यानंतर लगेच रिस्पॉन्स देऊन पोलीस स्टेशनला पण मूलच्या कळवलं आणि मूलच्या पोलीस स्टेशनमधून ताबडतोब रातोडसर इथे येऊन सगळ्या गोष्टीची चौकशी केली आणि त्यांनी पण आपल्या टीमला तिथे बोलवण्यात आलं आणि त्यांनी पण तिथे सगळ्या गोष्टीची पाहणी करून गाईंना गाडीमध्ये मांडून व्यवस्थित त्यांचं आता आम्ही दवाखान्यात पाठवण्याचा प्रयत्न करत आहोत। सर्वांनी व्यवस्थितपणे मदत केली पण आज आपल्या मूलमधून बऱ्याचशा प्रमाणात गाईची तस्करी, बैलांची तस्करी ही खूप जास्त प्रमाणात वाढली आहे आणि हा त्यातलाच एक प्रकार असा प्राथमिक अंदाज आम्हाला वाटत आहे। गाडीमधून गाई उडी मारल्या आणि त्यांचे 2 पाय जखमी झाले असा आमचा अंदाज आहे। NBCN न्यूज के लिए मूल से अमित राऊत के साथ सुनील ताडे की रिपोर्ट।